तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हल्दी हर्बल टी की रेसिपी। हल्दी को इस्तेमाल करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और आपको कई तरह की होने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए ताकत भी मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो हल्दी की टी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटा पीस अदरक का लिया है। इसके ऊपर का आपको छिलका निकाल लेना है। उसके बाद आपको इसे कद्दूकस कर लेना है इस तरह से। तो ये थोड़ा सा किसा हुआ अदरक है। यहाँ पे मैंने 10 काले मिरे लिए हैं। इसे भी आपको कुछ इस तरह से दरदरा कूट लेना है। एक छोटा पीस मैंने दालचीनी का लिया है। दालचीनी को भी आपको दरदरा पीस लेना है कुछ इस तरह से। 3 छोटी वाली मैंने हरी इलायची ली है। आधा कटा हुआ मैंने नींबू लिया है। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच मैंने गुड़ का पाउडर लिया है। आप चाहे तो गुड़ साबित भी डाल सकते हैं। और 1.5 कप हमें पानी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके उसके ऊपर एक सॉस पैन चढ़ा दिया है। इसके अंदर हम डालेंगे पानी। तो सबसे पहले मैंने 1 बड़ा कप पानी डाला और फिर आधा कप। पानी के अंदर हम डालेंगे एक किसा हुआ अदरक, साथ ही साथ हम डालेंगे इसके अंदर एक कुटी हुई काली मिर्च, दरदरा पिसा हुआ दालचीनी का पाउडर, 3 हरी इलायची, हल्दी पाउडर डाल देंगे। आप पानी के हिसाब से इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितने आप ये चाय बनाने वाले हैं उसके हिसाब से आप इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाल दीजिए। इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद अब हम गैस की फ्लेम लो से मीडियम रखेंगे और इसे आपको 5-6 मिनट तक बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। तो इसे बॉईल करने के बाद अब बारी आती है इसके अंदर गुड़ डालने की। तो गुड़ डालने के बाद फिर से आपको इसे हाई फ्लेम पे 1-2 मिनट तक बॉईल कर लेना है ताकि गुड़ पानी के अंदर अच्छी तरह से घुल जाए। तो यहाँ पे ये चाय बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे 1 कप के अंदर छान लेंगे। टर्मरिक टी पीने के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। अगर आपको सर्दी, खांसी या फिर गले में दर्द है, गले में खराश है, तो इससे बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है हल्दी की चाय पीने से। और साथ ही साथ इम्यूनिटी बढ़ती है। जिससे अथराइटिस की प्रॉब्लम है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है हल्दी वाली चाय। तो बस इसे छानने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा नींबू का रस। मैंने इस टी के अंदर मिठास लाने के लिए गुड़ डाला है। आप चाहे तो गुड़ की जगह पे हनी भी डाल सकते हैं ये समय पे। तो बस नींबू का रस डालने के बाद इसे भी मैंने मिला दिया है। तो ये गर्मा गर्म हर्बल टी पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी या फिर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। आप चाहे तो इसे आपकी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और भी आने वाले मेरे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।